नालंदा विश्वविद्यालय में एंट्री हो रही है। हम आंगन में लेके चलने वाले हैं, आगे आंगन में ले जा रहे। देखिए, ये गुप्तकालीन कमरा है गुरुजी। इसका जब छत भांगा होकर खराब होकर गिरने लगा, हर्षवर्धन ने इसको माटी से भर दिया। हर्षवर्धन उसका दोबारा फिर इसके ऊपर बिल्डिंग उठाया। नीचे गुरु जी गुप्तकालीन बड़ा वाला ईट, अच्छा हर्षवर्धन कालीन। ये ईट कैसे जोड़ा गया? मिट्टी, चूना, सुर्खी, ताल का पाउडर, का बेसन, गन्ना रस का गुड़, बेलफल, पेड़ से गोद निकलता है, सांची को मिलाकर ईट को जोड़ा जाता है। तब को मसाला सारे जहाँ भी पिक्चर देखते हैं ना, फोटो वोटो यही नजर आता है ना। ये सब ध्यान करने वाला मेडिटेशन सीखा है। 1, 2, 3, 4, 5 मेडिटेशन सीख, मेडिटेशन सीख, मेडिटेशन इस पे बैठ कर ध्यान कंसंट्रेट। हर मोनास्ट्री के सामने एक छोटा मंदिर, बहुत मंदिर, हर चीज मछला एक बड़ा मंदिर। समझने के लिए यहाँ पे नक्शा समझना है, नक्शे को समझ लिया ना। आइए गुरुजी, आ जाइए, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए। देखिए ये मेन मंदिर सारे पद का स्थल का। अच्छा, आइए इधर भी आ जाइए भैया, आप इधर आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई लोग। अच्छा देखिए, मान लीजिए अलग अलग विषय का अलग अलग गुरुकुल था ना, तो मान लो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आयुर्वेदिक मेडिसिन, मेटाफिजिक्स, मेडिटेशन बहुत सारा का पढ़ा होता था। 108 विषय का 10 किलोमीटर में दो गुरुकुल, दो मोनास्ट्री बीच में एक अंदर जाने वाला रास्ता आ गया। अभी हम लोग अंदर आया यहाँ से, कमरा देखा नीचे वाला, ये पालकालीन कमरा, आगे आया था ध्यान करने वाला मेडिटेशन से देखा, अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा। मान लो मैथ सब्जेक्ट का हॉस्टल था, मैथ का टीचर मैथ का स्टूडेंट साथ रहता था, मैंने जितना भी बौद्ध भिक्षु बोंग शिष्य भी और टीचर भी गुरु भी एक साथ आंगन में पढ़ाते थे। गुरु ऊपर बैठते थे, छात्र नीचे बैठते थे, पढ़ाता था। हर आंगन में पानी पीने के लिए कुआं था, किसी किसी में मंदिर भी था। गुरुकुल में जाने के लिए दोनों तरफ बुद्ध की मूर्तियां थी, प्रवेश करने वक्त मैंने जितना मनाष्ट्री था एक डिजाइन का था। ये जो मंदिर था इसमें क्या होता था? बुद्ध भगवान का मूर्ति था। ओके, तो अभी हम इस होस्टल को चल रहे हैं देखने, इस मनाष्ट्री को देखेंगे। सब तो एक ही डिजाइन का ना, इसमें दो गोदामरू देखेगा, कुआं देखेगा, सब कुछ देख सकता है, हर जगह नहीं जाना अलाउ है। अब हर गुरुकुल के सामने, हर मोनास्ट्री के सामने छोटा मंदिर था, छोटा मंदिर देखिए सब टूट गया, लेकिन हर तीन मोनास्ट्री के बाद एक बड़ा मंदिर। अच्छा, ये जो मंदिर टूट गया, हर मोनास्ट्री के बाद, तीन मोनास्ट्री के बाद एक बड़ा मंदिर, बीच में बड़ा मंदिर, चारों खंड में छोटा मंदिर। तो ये वाला है सारिपुत्र का समाधि के ऊपर अशोक राजा स्तूप बनाया, जो 7 बार मरम्मत हुआ, तो आज इतना ऊंचा है। तो अब पहले चलते हैं एक मोनास्ट्री को देखने के लिए, ठीक है गुरु जी? चलिए, वो मेन गुरुकुल, पानी बरस रहा है, क्या बताएं अब। अरे गुरुकुल में हम जा रहे हैं, मोनास्ट्री में जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा ऐसा 108 मोनास्ट्री था। अच्छा, 108 बौद्ध विहार था। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ थी, लेकिन यहाँ पे म्यूजियम चले गए हैं। मूर्तियाँ जो है म्यूजियम में देखेगा, चुना हम यहाँ पे भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ से जब प्रवेश करते थे तो लोग प्रार्थना करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि प्रे करके ही एंट्री करते, अपना प्रार्थना करके जाते थे। अब देखिए ये आग लगाए तो उसका जला हुआ निशान देखिए भाई, है ना जी। ये वर्षा जल निकलने के लिए अभी का नाला है, हम अपना नाला अलग अलग राजा ने बनाया, वो हम दिखाएंगे कैसा ये नाला है। अभी का हम आगे रूम में बताएंगे चल के। देखिए भारत देश में क्या है, वास्तुशास्त्र को माना जाता है, साउथ वेस्ट में सीढ़ी होता था। देखिए साउथ वेस्ट में सीढ़ी, नॉर्थ ईस्ट में हम नाला दिखाएंगे। सारा जो मरम्मत का कार्य किया ना, 1960-61 में यहाँ पे लिखा हुआ है। 1961 एक स्टूडेंट के लिए क्या छोटा कमरा है, इनमें दीवार में विंडो नहीं चलाना था, इसलिए करवाया। सब जन को आ गया है, अपना ग्रुप इधर है।